पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर को देंगे बड़ी सौगात। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के चार लेन की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 223 किलोमीटर के अब ग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। पंढरपुर में कई नेशनल हाईवे की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले मोदी, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, सेवा संकल्प और समर्पण पर टिका है पार्टी का आधार। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पार्टी और लोगों के बीच भरोसे का सेतु बनाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है, लोगों के बीच काम करने से तजुर्बा आता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा पीएम मोदी ने बीजेपी की रणनीति बनाने का मंत्र दिया, कोरोना काल में पार्टी ने सेवा को आधार बनाया। यूपी पंजाब समेत पांच राज्यों के लिए बीजेपी ने कसी कमर, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने की पीएम मोदी की तारीफ, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मीटिंग में जेपी नड्डा ने दिया मंत्र, अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो पार्टी अपने शिखर पर आएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने गलत सवाल उठाए, भारत के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया ने सराहा। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा का चुनाव को बताया बहुत महत्वपूर्ण, कहा कि पार्टी और राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किए। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बोले आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी नड्डा समेत 342 नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम ने किया ट्वीट, लिखा लोगों की सेवा करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा हुई। आज शामली के कैराना जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएसए कैंप समेत कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। डर से कैराना छोड़कर जाने के बाद वापसी करने वाले परिवार के लोगों से मिलेंगे सीएम योगी। यूपी के रामपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी, एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 10 नवंबर को मथुरा में ब्रजराज उत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी, 10 दिन चलेगा उत्सव। केंद्र पर फिर बरसे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, बोले कि किसान आंदोलन में 600 जान गई है, संसद में एक प्रस्ताव भी पारित नहीं। सत्यपाल मलिक ने कहा जिसने गवर्नर बनाया उन्हें दिक्कत हुई है तो दे दूंगा इस्तीफा। किसानों के समर्थन में बोली मायावती, केंद्र सरकार खत्म करे तीनों कृषि कानून, किसानों को दे राहत। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, शायद पीएम मोदी किसानों को देश का नहीं मानते हैं, किसानों को लगता है पीएम मोदी किसान हितैषी नहीं। रोहतक में हुई किसानों की महापंचायत, संसद कूच कर और प्रधानमंत्री निवास का घेराव करने का प्रस्ताव पास, आगे संयुक्त किसान मोर्चा को लेना है फैसला। शामली की रैली में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने किसानों का मुद्दा उठाया, सरकार ने किसानों के साथ धोखा कर उद्योगपतियों से हाथ मिलाया। जयंत चौधरी का योगी सरकार पर हमला, कहा कि साल में 3% लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई है योगी सरकार। यूपी के अंबेडकर नगर से योगी सरकार पर गरजे अखिलेश यादव, कहा जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां नहीं चला। अखिलेश का तंज, योगी लैपटॉप चलाना नहीं जानते इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। अखिलेश का बीजेपी से सवाल, कहा था नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या काला धन वापस आया। अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव का नरम रुख, बोले कि अखिलेश ही बनेंगे यूपी के अगले सीएम, एसपी से गठबंधन को तैयार। बीएसपी से निष्कासित लालजी वर्मा और राम अचल राजभर एसपी में शामिल हुए, अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। बीएसपी के पूर्व नेताओं के एसपी में शामिल होने पर बोले मायावती, कहा कि दल बदलू और निष्कासित लोग कमजोर करेंगे एसपी का जनाधार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बीजेपी पर हमला, आरक्षण का वादा पूरा नहीं किया तो गठबंधन पर पड़ेगा असर। आज पंजाब विधानसभा का होगा विशेष सत्र, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध समेत कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव पर हो सकता है पेश। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दी राहत, डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए वैट कम किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का एजी देओल पर पलटवार, कहा कि न्याय अंधा है, पंजाब के लोग नहीं। माइनिंग पीपुल्स फ्रंट के संयोजक पुती गांवकर आम आदमी पार्टी में शामिल, सीएम केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। सीएम केजरीवाल का पुती गांवकर को भरोसा, सरकार बनी तो 6 महीने में माइनिंग का काम शुरू करेंगे। पेट्रोल डीजल को लेकर शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में वैट घटाने के बजाय घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री निशित परमानिक का सीएम ममता पर हमला, कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने पर चुप क्यों है, असम त्रिपुरा में कम, बंगाल में कब होंगे दाम कम। भारत चीन सीमा मुद्दे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, कहा ये लोग भारतीय सेना की ताकत पर नहीं करते भरोसा। कांग्रेस की मांग, यूपीए 2 सरकार को हटाने की साजिश के लिए पीएम मोदी और पूर्व सीएजी विनोद मांगे माफी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मुफ्त राशन योजना 6 महीने और बढ़ाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी बीजेपी, आज से 5 दिन करेगी रैली। पश्चिम बंगाल के प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा उपचुनाव में गिनती से पहले बदले गए ईवीएम। पश्चिम बंगाल बीजेपी में चरम पर कलह है, दिलीप घोष ने कहा कि जो नेतृत्व से खुश नहीं है वो चले जाए। दिलीप घोष के बयान पर तथागत रॉय बोले बीजेपी छोड़ने की कोई योजना नहीं, पार्टी के विवेक रक्षक बने रहेंगे। मथुरा में नंद महोत्सव में शामिल हुए यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एके शर्मा, कहा कि ब्रज के विकास के लिए जो भी होगा वो करेंगे।
यूपी विधान परिषद सदस्य ए.के. शर्मा ने कहा, ब्रज क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं, वात्सल्य एवं समर्पण की भूमि है भगवान कृष्ण की नगरी ब्रज। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के लिए रवाना। एसआईटी ने शनिवार से आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच शुरू की। आज एनसीबी के सामने पेश हो सकते हैं आर्यन खान, कल तबीयत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए थे। एसआईटी ने आर्यन को पूछताछ के लिए समन भेजा। एनसीबी की एसआईटी 6 मामलों की कर रही है जांच। एनसीबी ने आज प्रभाकर सईद को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कई समन के बाद भी हाजिर नहीं हुआ है प्रभाकर। वांखड़े पर लगाए थे आरोप। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार का बयान दर्ज किया। अरबाज से 9 घंटे पूछताछ हुई। नवाब मलिक के आरोपों के बाद एनसीबी ने जांच के लिए एसईटी बनाया। आर्यन केस में फिरौती के आरोप की होगी जांच। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने पेश हुए सुनील पाटिल, दर्ज कराए बयान। सुनील पाटिल ने किसी केस का मास्टरमाइंड होने से इनकार किया, कहा कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से लेना देना नहीं। नवाब मलिक का आरोप, फैशन टीवी के चीफ काशिफ खान ने मंत्री असलम शेख को क्रूज पार्टी में जाने को मजबूर किया था। आज असलम शेख मीडिया के सामने रखेंगे अपना पक्ष। नवाब मलिक के आरोपों पर मोहित कंबोज का जवाब, सभी आरोपों को गलत बताया, कहा कि नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। मोहित कंबोज ने कहा, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल के साथ रची साजिश, सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे नवाब मलिक। नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को वसूली का खेल का मास्टरमाइंड बताया था, समीर वांखड़े का पार्टनर भी बताया था। गवाह विजय पगारे का खुलासा, कहा ड्रग्स केस में 4 मास्टरमाइंड गोसावी, भानुशाली, सैम, सुनील पाटिल साजिश में शामिल। समीर वांखड़े मानहानि केस में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। समीर वांखड़े के पिता ने नवाब मलिक पर 1.25 करोड़ की मानहानि का केस किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवम्बर तक ईडी की कस्टडी में सौंपा। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को कोर्ट से नहीं मिली है राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर 12 नवम्बर तक सुनवाई स्थगित। मध्य प्रदेश में दंगाइयों ने नुकसान की भरपाई करेगी अब शिवराज सरकार। कानून को अमली जमा पहनाने की तैयारी, पत्थरबाजी और दंगे के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से होगी वसूली। श्रीनगर के बाटमालू में आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की। पाकिस्तान की नापाक हरकत, पाकिस्तानी मरीन ने महाराष्ट्र के मछुआरे की गोली मारकर जान ली। गुजरात तट से दूर अरब सागर की घटना। मछुआरे की हत्या को लेकर फिशिंग बोट के क्रू सदस्यों पर हो रही है पूछताछ, 6 नवंबर की घटना। भारतीय मछुआरों की मौत का मुद्दा पाकिस्तान के सामने उठाएगा भारत। पाकिस्तान मरीन ने समुद्री सीमा रेखा के पास मारी थी गोली। आज 141 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 2020 के लिए दिया जाएगा सम्मान। मंगलवार को भी 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, 2021 के लिए मिलेगा पुरस्कार। साल 2020 और 2021 के लिए 7-7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण। गुरुग्राम खुले में नमाज पढ़ने के मामले में पहली बार बोले अनिल विज, कहा धर्म स्थलों के अंदर ही हो धार्मिक आयोजन। 14वें साइबर सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे जनरल विपिन रावत, 10 से 13 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाला पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का कार्यभार, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। दिवाली के 3 दिन बाद भी दिल्ली NCR में कम नहीं हुआ है प्रदूषण, AQI गंभीर स्तर पर। दिल्ली NCR में प्रदूषण का प्रकोप जारी, डॉक्टर्स ने सांस की समस्या वाले मरीजों को दी सलाह, बिना मास्क घर से ना निकले बाहर। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता दिल्ली सरकार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को गोपाल राय की चिट्ठी, पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए आपात बैठक बुलाने को कहा। कानपुर और मुरादाबाद में भी हवा हुई जहरीली, बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के कृषि विभाग का बयान, हमारे पास 6375 पराली प्रबंधन मशीन है, किसानों को जो मशीनें चाहिए होती है वो ले रहे हैं। अमोनिया की मात्रा बढ़ने से दिल्ली में यमुना का पानी और प्रदूषित हुआ, लोगों की लापरवाही, छठ के नहाए खाए के दिन झाग वाले पानी में नहाते नजर आए। जलवायु परिवर्तन पर यूनेस्को चिंतित, सिर्फ 50% देश ही राष्ट्रीय स्तर पर कानून नीतियों और शिक्षण योजनाओं पर देते हैं जोर। योगी सरकार ने दी बिजली उपभोक्ताओं को राहत, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा बकाया बिजली बिलों पर ब्याज माफी की योजना शुरू। ईडी ने BSP विधायक मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में 6 घंटे पूछताछ की, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके करोड़ों की कमाई का आरोप है। माफियाती कीमत से भी ईडी ने साबरमती जेल में पूछताछ की, 16 बेनामी कंपनियों के कागजात हुए थे बरामद। झारखंड के लातेहार में 2 जगहों पर NIA की रेड, जबरन वसूली और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले रेड। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को CBI ने गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेशी। अशोक सैकिया की लोन स्कैम मामले में हुई है गिरफ्तारी, 25 साल पुराने 9 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में गिरफ्तारी। बार बार समन जारी होने के बाद भी अशोक सैकिया अदालत के सामने नहीं हो रहे थे पेश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF के जवान ने अपने साथियों पर ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोलीबारी में CRPF के 4 जवान शहीद, 3 बुरी तरह से जख्मी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार में जहरीली शराब के मौत के मामले में समस्तीपुर के पटोरी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह निलंबित, 1 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर सूर्या के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 2 देसी कट्टे, 1 पिस्टल बरामद। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में घर में घुसकर बाप बेटे की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज किया।
राजस्थान के उदयपुर में सहकर्मी से मारपीट और निवस्त्र करने के आरोप में चार कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल पर केस दर्ज। थाने के उल्लासनगर में बुजुर्ग महिला को घर में अकेला पाकर 7 लाख लूटे गए, लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में बिजली चोरी के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 4.93 करोड़ रुपए की बिजली चोरी का है मामला। पालघर के नाला सुपारा में 80 साल की महिला घर में मृत मिली है, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। यूपी के बांदा में 9 साल की बच्ची से रेप, 14 साल का नाबालिग आरोपी फरार। धर्मांतरण कांड में मौलाना उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला भी कानूनी शिकंजे में आया, नोएडा से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला के पास से धर्म परिवर्तित हुए लोगों को फंडिंग करने में मिले सबूत, बैंक अकाउंट्स में मिले 75 लाख रुपए। यूपी के सहारनपुर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक और अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के बलिया में नाबालिग से रेप, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के चित्रकूट में पुलिस का एक्शन, फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। यूपी के उन्नाव में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, हत्या में शामिल चाकू बरामद। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार, पशु चोरी की घटना के बाद से फरार था। यूपी के फरुखाबाद की जेल में पथराव और आगजनी की घटना में 32 कैदी और 30 पुलिसकर्मी जख्मी, एसपी ने कहा हालात अभी कंट्रोल में है। आज नहाए खाए के साथ छठ पूजा की हुई शुरुआत, 10 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 11 नवंबर को दिया जाएगा सुबह का अर्घ्य। दिल्ली में छठ पर सियासी बवाल, छठ घाट बनाने की मांग को लेकर आप नेता शनिवार से धरने पर बैठे, मेयर ने घाट बनाने पर लगा रखी है रोक। मुंबई में भी छठ को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा, बीएमसी ने समंदर किनारे छठ पूजा की इजाजत नहीं दी, कृत्रिम तालाब बनाकर पूजा कर सकते हैं। तमिलनाडु में साइक्लोन के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमों की तैनाती की गई, अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। चेन्नई में भारी बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कें भी जलमग्न। चेन्नई के नगर में घुटने तक भरा पानी, अन्ना नगर में कई इलाकों में हालात खराब। चेन्नई के जलभराव वाले इलाके में सीएम स्टालिन का दौरा, पेरम्बूर बैरक रोड, अटोरी ब्रिज और पैडी में भी लिया हालात का जायजा। सीएम स्टालिन का विधायकों सांसदों को पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश, चेन्नई समेत 11 जिलों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से बात की, मदद का भरोसा दिया। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने अपने फैंस से मांगा बर्थडे गिफ्ट, कहा चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद करें मेरे फैंस। चेन्नई में बारिश के बीच कुछ लोगों ने बांटे फूड पैकेट, बारिश के चलते चेन्नई के कई इलाके बेहाल। एमपी के विदिशा में कार मोटरसाइकिल की टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल। मथुरा में टोल प्लाजा पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा, 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। आगरा नोएडा ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई, 2 से 3 किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। दीपोत्सव और भाई दूज मनाकर दिल्ली नोएडा वापस लौट रहे लोगों के चलते ट्रैक पर लगा लंबा जाम। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन, एससी ओबीसी के छात्र बीजेपी दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भावुक हुई छात्राएं, सरकार से न्याय देने की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले को लेकर छात्र 141 दिन से लखनऊ में लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। एमपी के दमोह में किसानों का प्रदर्शन, उर्वरक की मांग को लेकर किया विरोध। किसानों ने दी धमकी, मांग नहीं मानने पर सुसाइड करने की बात कही। प्रयागराज में कपड़े के गोदाम में लगी आग, लाखों के ऊनी कपड़े जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाने में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बाल बाल बची लोगों की जान। रात करीब 9 बजे लगी आग, आग लगने के कारणों का पता नहीं। सालतेंग की लड़ाई की याद में श्रीनगर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया, सेना ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुई सालतेंग की ऐतिहासिक जंग को सेना ने किया जीवन। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम, सेना के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना, 17 दिन में 7500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी ट्रेन। श्री राम से जुड़े हर महत्वपूर्ण जगह जाएगी ट्रेन, पहला हॉल्ट अयोध्या और उसके बाद बिहार के सीतामढ़ी जाएगी ट्रेन। सीतामढ़ी के बाद वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट जाएगी ट्रेन, श्रद्धालु अलग अलग घाट और मंदिरों के कर सकेंगे दर्शन। अपनी आने वाली फिल्म अंतिम के प्रमोशन में जुटे हैं सलमान खान, मुंबई में महबूब स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो पहुंचकर सलमान ने अपने फैंस के साथ तस्वीर खिंचवाई, लोगों के साथ सेल्फी भी ली। महाराष्ट्र के उल्लासनगर पहुंचे डायरेक्टर रोहित शेट्टी, फिल्म सूर्यवंशी का प्रमोशन किया। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को दी गई श्रद्धांजलि, फैंस ने थिएटर्स में जलाए कैंडल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लाभार्थियों को मिले घर, तेजी से चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। राजौरी में इंडियन आर्मी ने मैराथन का किया आयोजन, फिट इंडिया के तहत लोगों से स्वस्थ रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बड़ी संख्या में लाए गए घोड़े, घोड़ा मालिक हुए मायूस, नहीं मिल रहे खरीदार। नेशनल कैंसर डे पर इंदौर कैंसर फाउंडेशन की पहल, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए रिलीज किया गाना। कोरोना का नया वेरिएंट भारत के लिए कम चिंता का विषय, भारतीय सार्स CoV-2 जेनोमिक्स संघ का दावा। मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन के लिए अभियान तेज, 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक हर गुरुवार को 1 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना की दूसरी डोज। बिहार में अब तक कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ डोज दी गई है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए। एक दिन में 526 संक्रमितों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 7,124 नए केस सामने आए हैं। 201 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 892 नए मरीज सामने आए। 16 की मौत। अकेले मुंबई में एक दिन में 252 लोग संक्रमित पाए गए। 5 लोगों ने जान गंवाई। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 318 नए मरीज सामने आए हैं। 3 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के से 47 लोग संक्रमित, 33 लोग रिकवर हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंची। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 320 नए केस सामने आए। 5 लोगों की जान गई। यूपी में जीका वायरस का कहर। कानपुर में अब तक 89 मामले सामने आए। दूसरे जिले में भी मिले केस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना के चलते डल झील बोट हाउस उद्योग को पर्यटकों की कमी की वजह से भारी नुकसान। अमेरिका में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी नहीं। स्पुतनिक वी लगवाने वाले हंगरी के यात्रियों को नहीं मिली अमेरिका में एंट्री। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों में राख फैला। लावा के खतरे को देखते हुए अब तक 7,000 से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए। 2,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। चीन के उत्तरी इलाके में बर्फीले तूफान का कहर। कई इलाकों पर सड़कें बंद। बर्फबारी की वजह से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मेक्सिको में बड़ा हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। 15 लोगों की जान गई। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेंगे पोलियो के टीके। 800 प्रवासियों को रेस्क्यू कर सिसिली पहुंचा जर्मन जहाज। पश्चिम अफ्रीका के रहने वाले हैं कई यात्री। ज्यादातर लोगों को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया गया। कुछ लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। स्पेन में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध। सड़क पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने बिजली घोटाले का आरोप लगाया। अक्टूबर में बढ़ी थी कीमत। बोलिविया में सामूहिक शादी का आयोजन। 30 से ज्यादा कपल ने की शादी। खर्चे में कटौती करने के लिए की गई पहल। कई लोगों ने कोरोना की वजह से टाली थी शादी। नामीबिया के मैच से पहले भारतीय टीम ने रद्द किया प्रैक्टिस सेशन। आज खेला जाएगा दोनों ही टीमों के बीच 7:30 बजे मुकाबला। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बीच बॉलिंग कोच भरत अरुण का बड़ा बयान। वर्ल्ड कप में मिली हार की वजह आईपीएल को ठहराया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म। केन विलियमसन और डोवेन कॉनवे ने 78 रन की साझेदारी पर टीम को जीत दिलाए। जीत के साथ कीवी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 124 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल करके जीत पहुंची। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। टीम सऊदी ने 2 सफलताएं अपने नाम की। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच से पहले अबू धाबी में भारतीय मूल के क्यूरेटर मोहन सिंह का निधन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया। दूसरे ग्रुप में 10 अंकों के साथ टॉप पर। बाबर आजम ने 66 रन और शोएब मलिक ने शानदार 54 रन की पारी खेली। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 6 विकेट पर 117 रन पर ही बना पाई। ऋषि वेलिंगटन ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से शादाब खान ने 2 जबकि शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ और हसन अली ने 1-1 विकेट लिए। शोएब मलिक ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद में अर्धशतक लगाया। T20 में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज। मलिक ने अपनी तूफानी पारी में 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 6 छक्कों के साथ 1 चौका भी लगाया। मोहम्मद रिजवान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 रन पूरे करने के साथ बनाया रिकॉर्ड। 1 कैलेंडर ईयर में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप से बाहर होने पर मुख्य कोच मार्क बाउचर का छलका दर्द। कहा, इसे हजम करना आसान नहीं। रिटायरमेंट को लेकर क्रिस गेल ने दिया बड़ा बयान। कहा कि एक और वर्ल्ड कप खेलना पसंद करूंगा। क्रिस गेल ने कहा, अभी रिटायर होने के बारे में कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय करियर के खत्म होने का समय आ रहा है। नोवाक जोकोविच ने करियर का 37वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। पेरिस मास्टर्स के फाइनल में दानिल मेदवेदेव को हराया। नोवाक जोकोविच 7वीं बार साल के अंत में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में मेजबानी करेंगे। अमेरिका के दिग्गज प्रीत संप्रास का रिकॉर्ड तोड़ा। भोपाल के थिएटर में लड़की को छेड़ने पर जबरदस्त बवाल हुआ। महिलाओं ने आरोपी को चप्पल से पीटा। छोले वाले से प्याज नहीं मिलने पर लड़की का फूटा गुस्सा। दुकान को गिराकर बिना पैसे दिए लड़की फरार। सियरा लियोन में तेल टैंकर में धमाके के बाद की तस्वीर सामने आई। 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल के कलाकार प्रसन्नजीत चैटर्जी ने पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी को लिखा खुला खत। फूड एंड पेमेंट के बाद भी नहीं मिली डिलीवरी। सोशल मीडिया पर एक बच्चे की बैटिंग देखकर हक्के बक्के रह गए लोग। हर कोई कह रहा है कि छोटा युवराज। 97 साल के एक फैन के साथ राफेल नडाल ने खेला टेनिस। राफेल नडाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जीत से अच्छा हार जाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।